दोस्तों, पानी के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज खुद पानी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि पानी के ऊपर ब्रिजेस कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, हमें पता नहीं कि कितने लोग ब्रिजेस के ऊपर से रोजाना गुजरते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसमें छुपे कंस्ट्रक्शन के मास्टरपीस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मुकाबले में हद से ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बिल्डिंग का लोड तो स्टेबल रहता है, जबकि ब्रिजेस का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ब्रिजेस को हर वक्त लाखों टन वजनी लोड बर्दाश्त करना पड़ता है, और वह भी ऐसा लोड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ब्रिजेस का इम्पोर्टेंट भी बढ़ता जा रहा है, और ये इम्पोर्टेंट उस टाइम पर मजीद बढ़ जाता है जब ब्रिजेस जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बने हो। जी हाँ, जहाँ जमीन पर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स को मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वहीं पानी पर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में 10 गुना ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। पानी पर ब्रिजेस बनाने में एक एक इंच क्या एक एक मिलीमीटर भी पहले से कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि अगर एक भी मिलीमीटर की गलती हुई तो अरबों रुपए और लाखों जाने एक ही झटके में ढेर हो सकती है। चाहे घर की कंस्ट्रक्शन हो या फिर बिल्डिंग की, इन सब में एक चीज कॉमन होती है, और वह है इनकी फाउंडेशन। जैसे फाउंडेशन के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वैसे ही फाउंडेशन के बगैर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन भी मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि गहरे समंदर और दरिया पर बने ब्रिजेस की फाउंडेशन तो पानी के भी अंदर होती है, लेकिन पानी के अंदर ये फाउंडेशन आखिर बनाई कैसे जाती है? कैसे लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में इस काम को अंजाम दिया जाता है, और समंदर के अंदर बनी फाउंडेशन कैसे इतनी मजबूत होती है जो पानी और लहरों के प्रेशर में भी ब्रिज को मजबूती से पकड़े रखती है? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर का सबसे पहला टास्क होता है पानी की गहराई देखना, और साथ साथ पानी के नीचे जो जमीन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पानी की गहराई कितनी है, पानी के नीचे जमीन पथरीली है या रेतीली, ये जानकारी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा ड्राइवर समंदर के बॉटम तक जाते हैं, और कई हफ्तों तक सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का ही काम चलता रहता है। अगर पानी कम होगा तो फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन में भी आसानी होगी, लेकिन अगर पानी गहरा निकला तो वर्कर्स की जान को खतरा भी होगा, साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेहनत दोनों 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के बाद जो फेज आता है वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आखिर अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए पानी को इस जगह से कैसे हटाया जाए? जी हाँ, चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह फाउंडेशन बनानी होती है उस जगह से पानी हटाना पड़ता है, लेकिन इतना गहरा पानी आखिर हटाया कैसे जाए? इंजीनियर ने इसके भी 3 मेथड्स निकाल रखे हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना मेथड कॉफर डैम कहलाता है, यानी जिस जगह कंस्ट्रक्शन होनी होती है उस जगह पर चारों तरफ इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वह पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए। जब चारों साइड ब्लॉक हो जाती है तो बीच से पानी निकाल कर उसको खुश्क कर लिया जाता है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम अब आराम से किया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है कि साइड पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है, और पानी का प्रेशर डैम की वॉल को तोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर की जान को भी खतरा रहता है। इस मसले से निपटने के लिए कॉफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की सीट से बनाया जाता है, यानी लोहे की सीट एक एक करके मशीन की मदद से पानी में डाली जाती है, जो एक मजबूत दीवार बन जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने पर नॉर्मली कॉफर डैम को हटा दिया जाता है। फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड कैसोन्स कहलाता है। इस तरीके में फाउंडेशन पहले जमीन पर बनाई जाती है, और फिर उसको किसी शिप की मदद से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां उसको इंस्टॉल होना होता है। अब चैलेंज होता है इसको पानी के अंदर डालने का, क्योंकि यह फाउंडेशन एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बंद और ऊपर से खुली होती है। अगर इसको ऐसे ही पानी में डाला गया तो ये पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी, जैसा कि ये गिलास पानी में तैरता आप देख सकते हैं। ये फाउंडेशन पानी पर फ्लोट ना करे, इसके लिए इंजीनियर के पास एक तरीका होता है।
अगर पानी ज्यादा गहरा होता है तो पहले शिप की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे जमीन की भराई की जाती है और फिर कैसोन को पत्थरों के इस पहाड़ पर शिफ्ट क्रेन की मदद से रख दिया जाता है और आखिरकार में इसके अंदर ऊपर से कंक्रीट डालकर इसको और ज्यादा वजनी, लेकिन अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर क्या किया जाए। इसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसको बैटर्ड पाइल्स भी कहा जाता है। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लान ये होता है कि पहले इन पाइप्स को पानी के नीचे जमीन में धसाया जाए, लेकिन धसाने का काम आखिर मुमकिन कैसे होगा? ये पाइप इतने हल्के तो होते नहीं कि इनको इतनी आराम से जमीन के अंदर धसाया जा सके। आखिरकार एक एक पाइप हजारों टन वजनी होता है। इसके लिए स्पेशल किस्म के बड़े बड़े हैमर्स शिप पर इंस्टॉल करके एक कंस्ट्रक्शन साइट से मंगाए जाते हैं, जो इन पाइप को लगातार ठोक ठोक कर जमीन में इतना ज्यादा धसा देते हैं कि अब बड़ी बड़ी लहरें हो या समंदरी तूफान, इन पाइप को एक मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन तैयार है जिसके ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता जितना आसान ये कहने और सुनने में लगता है। इस सारे प्रोसेस में सालों की मेहनत और कई जाने भी गवाई जाती है। तो आइए अब देखते हैं जमीन और पानी पर बनाए गए दुनिया के 5 सबसे लंबे और बड़े ब्रिजेस। नंबर 5, 2008 में कंप्लीट होने वाला वाइन वाई ग्रांड ब्रिज चाइना में मौजूद है जो 80 किलोमीटर लंबा है। नंबर 4, दुनिया का चौथा लंबा ब्रिज भी चाइना में ही मौजूद है जो कैंज ग्रैंड ब्रिज कहलाता है और यह ब्रिज 106 किलोमीटर लंबा है। नंबर 3, सिर्फ 4 सालों में कंप्लीट होने वाला यह ब्रिज भी चाइना में मौजूद है जो टियानजिन ग्रैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिज 140 किलोमीटर लंबा है। नंबर 2, दुनिया का दूसरा लंबा ब्रिज 157 किलोमीटर लंबा है जो ताइवान में मौजूद जेगवा वाइडक्ट के नाम से मशहूर है। और नंबर 1, दुनिया का सबसे लंबा तरीन ब्रिज चाइना में मौजूद है जो सिर्फ 5 सालों में तैयार कर लिया गया है जो हैरत अंगेज तौर पर 165 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज को बनाने में 10,000 वर्कर एक ही वक्त में काम करते थे और इस पर टोटल 640 अरब रुपयों का खर्चा हुआ। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी आप सिर्फ अपने आप तक ही नहीं रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको भर भर के लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।